किसी लॉ को ब्रेक करे। हाँ जी बिल्कुल, और ये सारी बातें ठीक है। और अगेंस्ट टू लॉ। हाँ ठीक है। अच्छा कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉ में या कानून में पनिशेबल होगी, जिसकी सजा कानून ने बताई होगी, तो उसको हम ऑफेंस कहेंगे, कि जिसकी कानून में सजा मौजूद होगी। अगर कानून में उसकी सजा मौजूद नहीं है और कानून ने उसको जुर्म का दर्जा नहीं दिया, तो फिर आप उसको जुर्म नहीं कह सकते। चाहे वो अखलाकी तौर पर, कई दफा होता है ऐसी चीजें वो एथिकली तो बुरी होती है, लेकिन कानून, जब तक कानून उसे जुर्म नहीं बनाएगा या कानून ने उसकी सजा तय नहीं की होती, तब तक उस वक्त तक आप उसको ऑफेंस नहीं कह सकते। तो कुछ आपको ये पता होना चाहिए, हमारा सबसे जो लेडीज के हवाले से 354 एक ऑफेंस है, कि कोई भी ऐसा एक्शन जिससे लेडीज या जो कोई खातून होगी उसकी उसमें वर्ड उसकी डिग्निटी ऑफ ए वुमन। अब डिग्निटी ऑफ ए वुमन इतना मतलब ब्रॉड टर्म है कि आप जरा सी कोई बात, मैं समझता हूं कि कोई आपको फोर्स एंड वायलेंस यूज तो दूर की बात है, अगर वो जेस्चर भी ऐसे करता है, तो मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि उससे डिग्निटी ऑफ ए वुमन जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपको खाली गाली गला ना करे कोई देर, तब भी आपकी डिग्निटी या फिर जो है वो इफेक्ट होती है। तो उसमें जो वर्ड यूज है 354 पीपीसी, पीपीसी हम कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान की, 354 का आपको इल्म होना चाहिए कि जरा सा भी कोई ऐसा एक्शन होगा जिससे आपको लगे, उसमें कोई एक्शन डिफाइन नहीं है, सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसा एक्शन जिससे डिग्निटी ऑफ ए वुमन इफेक्ट होगी या उसकी जो इज्जत या कोई भी उसमें खलल आएगा, तो उस पे जो जुर्म लगेगा या वो जो बंदा ऐसा करने वाला है वो 354 जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जुर्म है और हम